हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अर्पित पाठक और आप हैं आउटसाइड द लार स्ट्रीट। आज हम बात करेंगे क्यों वोडाफोन आइडिया का शेयर एक ही दिन में 6% से भी ज़्यादा बढ़ गया। यूँ तो हमें बोर्ड के मैनेजमेंट ने 25 फरवरी को ही बताया था कि आज यानी मार्च 3 2022 को बोर्ड मीटिंग करेंगे फंड जुटाने के लिए, लेकिन फंड जुटाने में एक और रीसेंट डेवलपमेंट हो रहा है जो वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा है। आपको याद होगा कि 2020 के आसपास इंडस टावर और भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विलय हुआ था, जिसके बाद एक फाइनल एंटिटी इंडस टावर बसती है। इंडस टावर में आपकी जो वोडाफोन आइडिया की पेरेंट कंपनी है वोडाफोन PLC, उसका लगभग 28% स्टेक्स है। अभी रिसेंटली फरवरी 23 को ही उन्होंने अपना 2.4% शेयर ये इंडस टावर से सेल किया। अब फिलहाल फिर से बात चल रही है कि लगभग 4.5% शेयर ये और बेचेंगे। अच्छा, वोडाफोन PLC जब ये विलय हुआ था तो वोडाफोन PLC के कुछ इन्होंने पैसे लिए थे आपके इंडस टावर से, तो जब ये सेलिंग की बात आ रही है 4.5% शेयर और सेल करना है, वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छी बात ये हुई कि इस जो अरेंजमेंट है इसमें कहा गया है भारतीय एयरटेल द्वारा कि आप सेल करो, कोई इशू नहीं है, उससे जो पैसे मिलेंगे वो आपको वोडाफोन आइडिया में डालना है, जिसके बाद वो हमें यानी इंडस टावर को पैसे चुकाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आप समझो, इससे वोडाफोन आइडिया की पेरेंट कंपनी जो है वोडाफोन PLC, उसको पैसे मिले, उसने पैसे डाले वोडाफोन आइडिया में, फिर वोडाफोन आइडिया को जो पैसे आए उससे उसमें से कुछ पैसे आपके इंडस टावर को देके अपना कर्ज चुका दिया, बचे कुचे पैसे पूरे वोडाफोन आइडिया में लग गए और उसके थ्रू वोडाफोन PLC को इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। तो एक तरह से इनकी फंड रेजिंग हो गई। यही एक पॉजिटिव है कि अब वोडाफोन आइडिया की जो पेरेंट कंपनी है वोडाफोन PLC, वो खुद वोडाफोन आइडिया में स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, भले ही इस तरह से बढ़ा रहे हैं इस सब कहानी के बाद। आपको याद होगा एक समय बात हो रही थी कि वोडाफोन आइडिया की पेरेंट कंपनी अब फिर से इसमें पैसा नहीं डालेंगी, लेकिन इस तरीके से अब उन्होंने डिसाइड किया है कि हम इसमें पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है वोडाफोन आइडिया की सस्टेनेबिलिटी के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।